नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया। और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे लोशन के बारे में जो आपके शरीर में जो दांत खाज खुजली है या फिर रैसेस है तो उन्हें ये ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर होती हैं तो उन्हें भी ये दूर करने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो जांघों की दांत है या फिर वहाँ पर काले चकते पड़ जाते हैं, दाने दाने निकल आते हैं, वो कई दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा लोशन जिसकी मदद से आपकी जो दाद है वो केवल 15 दिनों में ठीक हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास ये जो लोशन है उसका नाम है कैरेट बी लोशन। हालांकि ये इसका ब्रांड नेम है, इसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है कीटोकोनाजोल विथ बिक्लोमेथासोन लोशन। यहां पर बात करें इसकी मात्रा की तो कीटोकोनाजोल जो है वो 2% है और ये बिक्लोमेथासोन जो डाला गया है वो 0.025% इसमें डाला गया है। अगर आपको ये सेम ब्रांड का नहीं मिलता है तो आप किसी भी दूसरी जो ब्रांड आती है जिसमें ये सेम कंटेंट है तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जांघों की दाद एक ऐसी दाद होती है, वो जिद्दी दाद होती है जो कई बार दवाई करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती है। आपने बहुत सारे घरेलू उपाय भी कर लिए हैं, एंटी फंगल मेडिसिन भी ली है, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाती है। एंटी फंगल मेडिसिन क्या करती है कि हमारे पेट में गर्मी करती है, फिर पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि इस तरह का जो लोशन है वो आप लगाइए और इससे दाद से आपको छुटकारा भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, तो ये जो कैरेट बी लोशन है वो कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आपको ये सेम ब्रांड का नहीं मिलता है तो आप किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो है 90 रुपीज़, तो अन्य ब्रांड का आपको 90 रुपीज़ में या फिर 100 रुपये में मिल जाएगा। देखिए आपको लगाना किस तरीके से है, तो आपको सुबह में नहाने के बाद लगाना है जहाँ पर अफेक्टेड एरिया है। अगर जांघों में है तो जांघों में सुबह नहाने के बाद लगा लीजिए और रात को सोने से पहले भी नहाने के बाद लगाइए, तो इससे आपकी जो दाद है वो केवल 15 दिनों में ठीक हो जाती है।